नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर्स शो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस सीरीज में हम डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया है। राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। वह कर्नाटक के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर बीएस येदियुरप्पा की जगह लेंगे। बीएस येदियुरप्पा ने अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने पर 26 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि बसवराज बोम्मई के पिता एसआर बोम्मई कर्नाटक के 11वें मुख्यमंत्री थे। नंबर दो, अफगानी शरणार्थियों के लिए अमेरिका ने जारी की $10 करोड़ की सहायता राशि। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के संकट भरे हालातों में $10 करोड़ की सहायता राशि जारी की है। इस रकम की मदद से अफगानी वीजा आवेदकों की भी मदद की जाएगी। इसके अलावा बाइडेन सरकार ने अतिरिक्त जरूरतों के लिए $20 करोड़ अलग से भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका 2 दशकों तक चले युद्ध के दौरान सेना का साथ देने वाले अफगानों और उनके परिवारों को तालिबान के आतंक के चलते वहां से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के लोगों ने अमेरिकी अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन किया है, लेकिन जांच के बाद ही पात्र लोगों को वीजा दिया जाएगा। वीजा आवेदकों के पहले समूह को बहुत जल्द अफगानिस्तान से निकालकर अमेरिका भेजा जाएगा। नंबर तीन, विश्व बाघ दिवस। हर साल पूरे विश्व में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ संरक्षण के काम को प्रोत्साहित करने, बाघों की घटती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। इस सम्मेलन में मौजूद विभिन्न देशों की सरकारों ने साल 2022 तक बाघों की आबादी को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था। नंबर चार, बाघ संरक्षण का काम बखूबी कर रहा है भारत। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है। बाघ को वन्य जीवों की लुप्त होती प्रजाति की सूची में रखा गया है, लेकिन सेव द टाइगर जैसे राष्ट्रीय अभियानों के बदौलत देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दुनिया के 70% बाघ भारत में मौजूद है। साल 2018 की रिपोर्ट के तहत देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2,967 हो गई है। साल 2014 में यह संख्या मात्र 1,400 की थी। नंबर पाँच, इंडियन नेवी के ऑफिसर को मिला ब्रिटिश सरकार से पुरस्कार। भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बदवार को ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्डोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेली रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि मीराबाई चानू को कितने किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक पुरस्कार मिला है। आपके ऑप्शंस हैं 49, 74, 82 या 90। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि कहाँ के कांटेदार बैंगन को GI का टैग मिला है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेल्लोर। आप में से उनको बताएं जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने से आप परीक्षा के लिए हो जाएंगे 100% रेडी। आज ही खरीदें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं सफलता।